हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष पाल और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी व्यू में। आज हम देख रहे हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लाइट, और लाइट से हर एग्ज़ाम में एक से दो नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें इसे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। और ये सारे जो क्वेश्चन मैंने जो सम्मिलित किए हैं, इंक्लूड किए हैं, ये विभिन्न एग्ज़ामों वेरियस गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आए हुए हैं और इनकी आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, बैगनी, लाल, हरा, नीला। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है बैगनी का, और सबसे ज़्यादा की अगर बात करेंगे तो वो होता है लाल का। बैगनी कलर का तरंग दैर्ध्य होता है 3969 एमस्ट्रॉन्ग का, और लाल का होता है लाल कलर का होता है 6563 एमस्ट्रॉन्ग का। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये दोनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला है स्नेल का नियम संबंधित है। स्नेल का नियम संबंधित है प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से, और द्रव में तैरते हुए वस्तु से। तो ये संबंधित है हमारा प्रकाश के अपवर्तन से, ठीक है दोस्तों। तो स्नेल का नियम संबंधित होगा हमारे प्रकाश के अपवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी रंगों को सोख लेने और किसी को भी परावर्तित न करने वाली वस्तु दिखाई देती है, श्वेत, धूसर, नीली और काली। तो ये दिखाई देगी हमेशा काली। देखिए दोस्तों, काला कोई कलर नहीं होता है। ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसी बॉडी या ऐसी वस्तु जो सारे रंग को अवशोषित कर लेती है वो काली दिखती है, ठीक है दोस्तों। काला कोई कलर नहीं हो, जहाँ पे कलर की अनुपस्थिति होती है वो हमें काला प्रतीत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से गलत कथन को चुनिए, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक है, प्रकाश निर्वात की स्थिति से नहीं गुजर सकता, प्रकाश ऋजु रेखा में चलता है, प्रकाश का कोई भार नहीं होता। तो इसमें से जो गलत कथन होगा वो है प्रकाश निर्वात की स्थिति में नहीं गुजर सकता, जबकि प्रकाश निर्वात से गुजर सकता है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित होना कहलाता है, श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना कहलाता है। तो ये है अपवर्तन, सोगण, संधि या विक्षेपण। तो ये होगा दोस्तों हमारे पास विक्षेपण, ठीक है दोस्तों। विक्षेपण में क्या होता है कि प्रकाश जो होता है वो अपने 7 कलरों में विभाजित हो जाता है। जब आप किसी प्रिज्म में से अगर प्रकाश की किरण को गुजारेंगे, आपने 10वीं क्लास में ये एक्सपेरिमेंट किया है, तो ऐसे ऐसे करके ये 7 कलर हो जाते हैं। तो आपने पढ़ा होगा वेबग्योर करके, ठीक है दोस्तों। तो ये होगा आपका वेबग्योर, जिसमें से आपको ऊपर से नीचे बढ़ते हुए क्रम में तरंग दैर्ध्य मिल जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास प्रकाश के लंबवत रखे इकाई क्षेत्रफल प्रति सेकंड पर आपतित प्रकाश की मात्रा कही जाती है, कैंडल पावर, ल्यूमेन, डायोप्टर और दीप्ति तीव्रता। तो ये होगा कैंडल पावर, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। कैंडल पावर क्या कहलाएगा, किरणों के लंबवत रखे प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति सेकंड पर आपतित प्रकाश की मात्रा कहलाती है, कैंडल पावर। नेक्स्ट है एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, ये है शून्य, अनंत, ऋणात्मक और परिमित। तो ये होगी दोस्तों अनंत। देखिए, दो समतल दर्पण अगर रखे हुए हैं और इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट का अगर हम कोण मान लेते हैं तो इसका फॉर्मूला था 360 / θ/1, लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी एंगल नहीं दिया है, तो हमें इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो हमें इस वक्रता त्रिज्या को अनंत मानना पड़ेगा, और इसका आंसर होगा अनंत। एक अवतल दर्पण की नाभिक दूरी निर्भर करती है दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर, दर्पण से वस्तु की त्रिज्या पर, दर्पण से बिंब की दूरी, और दर्पण से वस्तु और बिंब दोनों की दूरी। तो ये डिपेंड करेगी आपकी दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर। नंबर अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, परमाणु को उत्तेजित करके और अणुओं को दोलित करके, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तंतु को गर्म करके, याद रखिएगा दोस्तों, तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को पैदा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग करने का क्या तरीका है,
प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका? एक प्रिज्म में से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, फिल्टर से रंगों को अलग किया जा सकता है, पौधों से रंगों को अलग किया जा सकता है, रंगों को अलग नहीं किया जा सकता। तो ये है दोस्तों कि एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। हमने पढ़ा है कि जब प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। श्वेत प्रकाश का घटकों में विभाजन किस के कारण होता है? परावर्तन, संचरण, अपवर्तन और परिक्षेपण। तो ये होता है दोस्तों हमारा परिक्षेपण के कारण। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? परावर्तन, विक्षेपण, प्रकीर्णन और ध्रुवण। तो ये आपको पता ही है दोस्तों, ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संक्रमण आयन किस में प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? संक्रमण आयन किस में प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? अवरक्त क्षेत्र, परावैगनी क्षेत्र और तरंग दैर्ध्य क्षेत्र और दृश्य क्षेत्र। तो ये जो अवशोषण कर लेते हैं वो करते हैं दोस्तों हमारा दृश्य क्षेत्र को। ठीक है दोस्तों, संक्रमण आयन प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं तो वो है दृश्य क्षेत्र को। निम्न में से कौन सी आँखों से नहीं देखा जा सकता? परावैगनी किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें और उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। इन तीनों किरणों को हम अपनी खुली आँखों से नहीं देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पदार्थों में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए नीलम, रूबी और क्राउन कांच और फ्लिंट कांच। तो इसमें सबसे ज़्यादा होगा ये नीलम का। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा होगा नीलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रकाश के अपवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायित्व है? प्रकाश के अपवर्तन का निम्न से कौन सा कारण उत्तरदायी है? प्रकाश घनत्व, प्रकाश की आवृत्ति, मध्य का आपतन कोण या द्रव्यमान घनत्व। तो ये होगा मध्य का आपतन कोण। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये नॉर्मली आपको बुक्स में नहीं मिल पाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। स्वच्छ आकाश में तारे टिमटिमाते देखे जाते हैं, इनके टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन। बहुत सी लेयर्स में अपवर्तन होता है, इसके कारण आपको नीचे से प्रकाश जो तारे हैं वो टिमटिमाते दिखते हैं। प्रकाश तरंगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे, विद्युत तरंगे, चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे और स्थिर विद्युत तरंग। तो ये होगा विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है वेबर, फेराडे, क्यूरी और कैंडला। तो ये होगा कैंडला। ज्योति तीव्रता का मात्रक है हमारा कैंडला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बीम के किस पॉइंट पर बेंडिंग स्ट्रेस तीव्रता समानुपातित होती है? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है दोस्तों, बीम के क्रॉस सेक्शन का, नेचुरल एक्सिस की दूरी का या बीम की लंबाई का। तो ये होता है नेचुरल एक्सिस से दूरी का। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे क्योंकि परावर्तित किया जा सकता है, अपवर्तित किया जा सकता है, विवर्तित किया जा सकता है, ध्रुवित किया जा सकता है। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में जो घटना एक होती है ध्रुवण की घटना ही ये बताती है कि प्रकाश की तरंग जो होती है, प्रकाश तरंग होती है वो होती है अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शीशे के पात्र में एकत्रित जल में वायु के लघु बुलबुलों के रजत चमक के साथ चमकने का कारण है? ठीक है दोस्तों, तो ये चमकने कारण प्रकाश किरणों का परावर्तन, प्रकाश किरणों का अपवर्तन, प्रकाश किरणों का ध्रुवण या संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये होता है दोस्तों संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो ये लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। याद रखिए दोस्तों, 8 मिनट 20 सेकेंड और लगभग 500 सेकेंड में ये पृथ्वी पर पहुँच जाता है। प्रकाशिक पावर है, अच्छा क्वेश्चन देखो, प्रकाशिक पावर है, प्रकाश तीव्रता प्रति वर्ग सेंटीमीटर, प्रकाश ऊर्जा का प्रभाव, ऊर्जा का विशिष्ट रूप या प्रत्येक प्रकाश स्रोत से सतत प्रमात्रा। तो ये होगा प्रकाश तीव्रता प्रति वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग प्रति वर्ग सेंटीमीटर। पानी में हवा का बुलबुला कैसे वैसे ही काम करेगा जैसे उत्तल दर्पण? ठीक है दोस्तों, उत्तल दर्पण करता है, अवतल दर्पण करता है या उत्तल लेंस करता है या अवतल लेंस करता है। तो जो ये पानी में हवा का जो बुलबुला है वो एक अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा।
लेंस की शक्ति निम्न में से किससे व्यक्त की जाती है? डायोप्टर, मीटर, गेज और किलोवाट। तो ये की जाती है डायोप्टर में। निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीच की स्थिति अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। आकाश स्याह काला, तारे टिमटिमाते नहीं और अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक। तो ठीक है दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसमें आपको बताना है एक सही, तीन सही या एक और दो सही, एक और तीन सही, एक दो और तीन सही। तो जो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, वो होगा आपका आपका होगा ये वाला, एक दो और तीन सही। ठीक है दोस्तों, तो इसमें तीनों होंगे क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम आकाश के ऊपर जाते हैं, आकाश में या आसमान में होते हैं अंतरिक्ष में, तो आसमान काला दिखाई देता है और तारे टिमटिमाते नहीं हैं, और जो वहाँ का टेम्परेचर होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तारे इसलिए नहीं टिमटिमाते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई परत नहीं है अपवर्तन के लिए, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिससे प्रकाश अपवर्तित हो जाए, इसलिए सारा का सारा आसमान आपको कैसा दिखाई देगा, काला। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, ठीक है, उसके बाद बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, अपवर्तन परिक्षेपण या ध्रुवन और व्यतिकरण। तो ये होगा हमारा, ये होगा बहुलित, सॉरी, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, वह बहुत कठोर होता है, वह सुनिश्चित विदलन तल होते हैं। तो उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, याद रखिएगा। और कितना होता है इसका अपवर्तन? 2.42, ठीक है, ये होता है म्यू बराबर से होगा 2.42, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा है हमारे पास, यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल के तल के ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा पहला, एक और दो, दोनों ही सही। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह अवशोषित करता है, अपवर्तित करता है, परावर्तित करता है और प्रकीर्णन करता है। तो ये कलर दिखता है परावर्तन के कारण। जो कोई भी वस्तु देखिए दोस्तों, प्रकाश के 7 कलरों में से सब जितने भी कलर वो अवशोषित कर लेती है, 6 कलर वो अवशोषित कर लेगी, एक को परावर्तित करेगी, और जो परावर्तित करेगी वही आपको आँखों में दिखेगा और उससे ही आपका, उससे उसका कलर पता लगेगा। पेट तथा शरीर के अंदर आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपिक आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर, व्यतिकरण परिघटना पर और विवर्तन परिघटना पर, ध्रुवण परिघटना पर। तो ये होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर, याद रखिए, बहुत बार पेपरों में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरता है वायु से होकर, ठीक है, वायु से होकर, जल से होकर या कांच से होकर और निर्वात से होकर, ठीक है दोस्तों। प्रकाश की जो गति होगी सबसे न्यूनतम होगी वो होगी आपकी वायु से होकर, जल से होकर, कांच से होकर या निर्वात से होकर। तो देखिए, निर्वात में ये सबसे ज़्यादा गति करता है, उसके बाद जो सबसे कम गति करता है वो करता है कांच में, और कांच में इसकी गति होती है 2.00×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये दोस्तों इसका आंसर होगा कांच से होकर, जब प्रकाश की किरण गुजरेगी तो इसकी गति सबसे कम होगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।